हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील यादव और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैंप स्पेस चैनल पर। हम लोग क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि सॉल्यूशन चैप्टर हमारा रनिंग में था। उसी को कंटिन्यू करते हुए देखिएगा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जब डिस्कस किया था बेटा जी मैंने, तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से उसका ग्राफ जो है वो रिमेनिंग रह गया था। क्या डिस्कस किया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफिकल मेथड से समझाना बच गया था, रह गया था। उसी को जरा समझते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था आपको, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर वेपर प्रेशर जो होता है ना, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमोसफेयर के प्रेशर के बराबर जब हो जाता है तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोसफेयरिक प्रेशर, दैट पॉइंट और दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस और ए लिक्विड। ओके, अब हम देखते हैं, देखिएगा जरा ग्राफ कैसे बनाना है हमें। कुछ इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इधर हम वेपर प्रेशर लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और इधर हम लोग टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस है हमारी। टेम्परेचर विल बीन कैल्विन। अब देखिएगा बेटा जी, अगर हम लोग दूसरा पेन कलर ले लें एक, देखिएगा अब क्या होता है। सपोज दैट मैं बोलूँ आपको कि भाई ये जो प्रेशर है इस पॉइंट पे जाकर के, ये मेरा 180 m है। यानी मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है, 180 m है, जो कि यहाँ पर आता है कुछ। सपोज दैट मैं कहता हूँ आपको कि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इस टाइम पर इतना है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट ये आया, कुछ इस तरीके का पॉइंट यहाँ जा करके, ऐसे पॉइंट ये पॉइंट आया, तो यहाँ जा करके क्या हुआ, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमोसफेयर के प्रेशर के बराबर हो गया, और उसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या है वो हम लोग इस तरीके से लाइन एक्सट्रापोलेट करके देख सकते हैं। सपोज दैट इस टेम्परेचर पे जा करके ये बॉयल करना स्टार्ट कर गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ TB0, लिख देता हूँ सपोज दैट में। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो देखिएगा एक दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं हम लोग, जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आए चीज़ें, क्लियर हो जाए चीज़ें। सपोज दैट मैं कहता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन जो है ना, उसका वेपर प्रेशर इनिशियली इतना है। ये बात आप जानते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली हमेशा कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। जब इस सॉल्यूशन को गर्म किया तो सॉल्यूशन कुछ इस पॉइंट पे जा करके, सपोज दैट कहीं इस जगह जा करके, इस पॉइंट पे जा करके इस ये बॉयल होना स्टार्ट हो, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पर हुआ, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को देखिएगा मैंने क्या अपलोड कर दिया यहाँ पर। ये टेम्परेचर सपोज दैट मैं इसको कह रहा हूँ, ये इसका नाम क्या है, टीबी टेम्परेचर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, डिफरेंस क्या होगा देखिएगा। अब डिफरेंस डेल्टा टीबी होगा यहाँ पर। डिफरेंस क्या है? डेल्टा टीबी है। अब डेल्टा टीबी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो ग्रेटर वैल्यू उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, लेसर वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यही क्या हो गया हमारा, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि बच्चा इसमें कन्फ्यूज बहुत बार होता है, और कन्फ्यूजन की वजह से ही क्या हो जाता है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो देखिएगा, आइएगा आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये अगर ग्राफ सबको समझ आया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे इसको। तो आइएगा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है हमारा,
देखेगा, सपोज दैट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिएगा बेटा क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हमें पता है इस बात का, पहले से हम लोग जानते हैं इस चीज को, है ना। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होती है। फ्रीजिंग पॉइंट आप किसको कहते हैं, जरा देखिएगा, बहुत मजेदार बात है। फ्रीजिंग पॉइंट उसको कहते हैं, देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड फेज किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या कह देते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। यानी द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। इज इट ओके। एक और डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस आर इक्वल। देखिए दो डेफिनेशन मैंने फ्रीजिंग पॉइंट की आपको बताई, यानी कि एक डेफिनेशन तो क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड फेज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, या दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर इक्वल। यानी जब लिक्विड और सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है किसी सब्सटेंस का, वो इक्वल हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो बेटा जी क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसको डिक्रीज करते करते हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा पहले, ताकि तभी टेम्परेचर जाके डिक्रीज होगा, है कि नहीं है। सॉरी, वेपर प्रेशर तो कम तभी होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाता है, यानी कि अगर रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में देखोगे आप, तो क्या होगा, जीरो के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा नेगेटिव टेम्परेचर जाते ही क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है, यानी सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में या इक्वल हो जाता है, तो इजीली वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, उसको और ज़्यादा फ्रीज करना पड़ता है, और ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, यानी माइनस में और ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पर जाकर के वो फ्रीज होता है। इसलिए हमें क्या दिखता है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, या वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, अगर ये समझ आए तो देखिएगा, अब हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। ये चीज आपको ग्राफ से समझ आएगी बहुत अच्छे तरीके से, अभी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं।
लेकिन उससे पहले हम लोग कहते हैं कि जो डेल्टा टी एफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम बन जाता है। दिस के एफ इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इट इज समटाइम नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर देता हूं मैं यहां पर, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम्स हो जाएगा यहां पर। दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कई बारी वो हमसे मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट करवा लेता है, एम बी भी कैलकुलेट करा लेता है सॉल्यूट का। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। सो दिस टाइम द फॉर्मूला विल बिकम दिस। ओके, अगर ये क्लियरली आपको समझ आया, ये फॉर्मूला मैंने कुछ नहीं किया इसमें, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी पुट किया है, मोलैलिटी का जो ऑलरेडी आपको मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए रखे हैं उसमें मैंने मोलैलिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, समझाया है। वहाँ पर अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो आप पीछे जा करके वीडियो देख सकते हैं, मोलैलिटी मोलैलिटी नॉर्मैलिटी वाला जो वीडियो उसमें मिलेगा आपको। तो अगर मोलैलिटी का आपको फॉर्मूला पता है तो ईजिली ये सारा फॉर्मूला आप ईजिली डिराइव कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे समझा जाता है इसको, देखिएगा ग्राफ से कैसे समझेंगे हम लोग। सपोज दैट ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, दिस इज द वेपर प्रेशर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। सपोज दैट मैं कहता हूं कि मेरा ये सॉल्वेंट जो है ना इसका वेपर प्रेशर कुछ ये है, ये मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, और सपोज दैट ये सॉल्यूशन है। ऑलवेज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम ही होता है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको फ्रीज करना शुरू किया, फ्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आया, सपोज दैट इस पॉइंट पे आ करके क्या हुआ, ये पॉइंट था जिस पे वेपर प्रेशर जो है यानी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए, तो ऐसे ऐसे डिक्रीज करते करते ये फ्रीज हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने सॉल्यूशन को फ्रीज करना शुरू किया, सपोज दैट इस पॉइंट पे आ करके ये फ्रीज होना स्टार्ट हुआ। देखिएगा और अच्छे तरीके से ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ को और क्लियरली समझाता हूँ मैं आपको। देखिएगा और क्लियरली समझते हैं ग्राफ को, पहले स्टीप ग्राफ बनाते थोड़ा सा और। सपोज दैट ये इस तरीके से फ्रीज करना स्टार्ट हमने किया, इस पॉइंट पे आकर के सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए और यहाँ पर आकर के इस तरीके से फ्रीज होना स्टार्ट हो गया सपोज दैट। फिर हमने क्या किया, सॉल्यूशन को भी फ्रीज करना स्टार्ट किया, और सॉल्यूशन को फ्रीज करना स्टार्ट जब किया तो देखिएगा कुछ लाइंस हमें इस तरीके की दिखने लगी, सॉल्यूशन कुछ इस पॉइंट पे आकर के फ्रीज होना स्टार्ट हुआ। अगर और क्लियरली समझें, देखिएगा ग्राफ थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ग्राफ बढ़िया तरीके का ग्राफ बनाते हैं, तो समझिएगा जरा चीजों को। दिस टाइम अब ये देखिएगा कहीं इस पॉइंट पे जाकर के फ्रीज होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। अब जब सॉल्वेंट को फ्रीज किया तो उसके रेस्पेक्ट में कोई टेम्परेचर आया होगा, सपोज दैट दिस इज द टेम्परेचर। इसको मैं क्या रख दूँ, प्योर की बातें हैं तो टी एफ नॉट रख देता हूँ, और ये सॉल्यूशन के केस में
भी कुछ टेम्परेचर आया होगा, इसको मैं टी एफ नाम दे देता हूँ। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, डेल्टा टी एफ होगा। डेल्टा टी एफ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं हमेशा, बड़ी वैल्यू कौन है इस टाइम पर, टी एफ नॉट इज़ द ग्रेटर वैल्यू एंड टी एफ इज़ द स्मॉलर वैल्यू। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वे टू कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ये क्लियरली समझ आया है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से बहुत लोगों को परेशानी होती है, समझ नहीं आता है। आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ग्राफ आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे। दोनों केस में आपको यही बात याद रखनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर भी। अगर ये क्लियरली आपको समझ आया है तो फिर मैं बात करता हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं हम, जो कि क्या है हमारा फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको समझने से पहले हम कुछ और बातें भी समझेंगे, देखिएगा जरा। इसको समझने से पहले हम लोग बहुत सारी बातें समझने वाले हैं। सपोज दैट मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर फिर हमने क्या कर दिया, सपोज दैट हमने एक लिक्विड भर दिया इसके अंदर, ये लिक्विड है इसके अंदर, सपोज दैट दिस इज ए लिक्विड, दिस इज अ लिक्विड फिल्ड इन दिस कंटेनर। दिस इज अ लिक्विड फिल्ड इन दिस कंटेनर, ओके। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, देखिएगा बेटा जी, एक मैं बीच में एक मेम्ब्रेन प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगा रहा हूँ। इस मेम्ब्रेन को मैं कहता हूँ कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपीएम कह देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और मैं बोल रहा हूँ आपको क्या, कि ये जो कंटेनर है इसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और इसमें भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, इधर भी इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट राइट दोनों साइड सॉल्यूशन भरे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो देखिएगा बेटा जी क्या होता है, अब लोग ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं हमें, इससे हम क्या समझेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सबसे पहले इसका मतलब समझिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं मतलब छेद होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब वो पोर्स कुछ पर्टिकुलर साइज के ही होते हैं, और पर्टिकुलर साइज के होते हैं इसलिए ये पर्टिकुलर साइज की चीज़ों को ही अपने अंदर से इधर से उधर पास होने दे सकती है। यानी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ पर्टिकुलर साइज की चीज़ों को ही अपने इधर से उधर पास होने के लिए परमिशन देगी, अदरवाइज ये पास ही नहीं होने देती है बाकी चीज़ों को। तो होता क्या है, देखिएगा, जब आप ये पहले वाला कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अब आपको, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। अब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज कुछ इस तरीके से सेट कर दिए गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ
सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने देगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्रॉस करने देगा और सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्रॉस पास नहीं करने देगा। तो देखिएगा क्या होता है जब हम इस तरीके का सॉल्यूशन रखते हैं, एक सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन का रखते हैं, एक हायर कंसंट्रेशन का रखते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा देते हैं, तो होता क्या है बेटा जी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन जब मैं आपको इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी चीज़ें। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिएगा क्या कहा जाता है, व्हाट इज दिस मीन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू दी एसपीएम इज नॉन एज ओस्मोसिस। उसी को बेटा जी आप लोग क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस कहते हैं। जब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के साइड होगा और किसके थ्रू होगा, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, उसी चीज का नाम, उसी फिनोमिना, उसी प्रोसेस का नाम क्या बोलोगे बेटा जी आप लोग, ऑस्मोसिस कहेंगे आप लोग। समझ आई बात आपको? अब कुछ लोगों को ये बात कंफ्यूज कर रही होगी कि सर लोअर से हायर कैसे मूव कर सकता है, हमने तो आज तक हायर से लोअर ही सुना है। लेकिन इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए स्पेशली इसी पूरे अपरेटस के अंदर मैं आपको और चीजें समझाऊंगा। देखिएगा क्या हुआ, हमने एक पिस्टन असेंबली सेट कर दी यहाँ पर, हमने क्या कर दिया, एक पिस्टन सेट कर दिया इस जगह पर हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड, हमने एक पिस्टन रख दिया, पिस्टन लगा दिया, क्लियर है, हमने पिस्टन लगाया पहली बार, पिस्टन फर्स्ट केस में पिस्टन यहाँ था, फिर हमने पिस्टन को थोड़ा सा प्रेस किया नीचे की तरफ तो पिस्टन कहीं यहाँ आ गया, ये पिस्टन यहां पर आ गया। अब लोगों ने क्या किया कि सॉल्यूशन जो हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड का है उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, उस पिस्टन को हमने पहली बार ऊपर रखा, दूसरी बारी में पिस्टन नीचे आ गया, सेकंड केस में क्या हो गया, पिस्टन को नीचे प्रेस कर दिया। अब पिस्टन को बेटा जी जब प्रेस करोगे आप, तो प्रेस करने पर क्या होगा, वो सॉल्यूशन को दबाएगा, सॉल्यूशन को प्रेस करेगा वो, और सॉल्यूशन को प्रेस करेगा तो सॉल्यूशन क्या करेगा, वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर लगेगा सॉल्यूशन की वजह से। अब वॉल्स के ऊपर लगेगा तो साथ ही साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर भी लगेगा, है कि नहीं है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर भी प्रेशर लगेगा तो अब हमने तो पिस्टन दबाया, लेकिन पिस्टन की वजह से क्या दबा, सॉल्यूशन दब गया, सॉल्यूशन यानी लिक्विड दब गया, और लिक्विड क्या दब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है किस पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर। उस प्रेशर के लगाने की वजह से क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट था लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के साइड हम कितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों कह रहा हूं मैं उसको, क्योंकि हमने पिस्टन को दबाया है। अब प्रेशर वास्तव में प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे कौन लगा रहा, लिक्विड, और लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। डेफिनेशन क्या बन जाती है, द मिनिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सो एज टू सीज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझिए इस बात को बहुत अच्छे, समझिएगा जरा, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये।
हम लोग कितना कम से कम प्रेशर लगाएं हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सॉल्यूशन की तरफ, कि जो मेरा मूवमेंट लोअर से हायर मूवमेंट जो अभी हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा, कि वो ऑस्मोसिस होना रुक जाए, यानी ना तो हायर से लोअर, से लोअर की तरफ कोई मूवमेंट हो, ना लोअर से हायर की तरफ कोई मूवमेंट हो, जो जहां पर है वो अपने कंपार्टमेंट में उसी साइड रहे हो। इस तरीके के प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, इसको ऊपर लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, द मिनिमम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सो एज टू सीज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ आई, ये ऐसे प्रेशर को हम लोग बेटा जी क्या कहते हैं, ऐसे प्रेशर को ही तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तो देखिएगा हमने क्या किया है, कि कम से कम इतना प्रेशर लगाया है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि लोअर से हायर मूव कर रहे थे, बस वो रुक जाए। लेकिन अगर मैं पिस्टन को और ज्यादा दबा दूं, समझिएगा, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझिएगा जरा इसको, एक नेक्स्ट चीज बता रहा हूं। अगर मैं पिस्टन को और ज्यादा प्रेस कर दूं, सॉल्यूशन हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड जो पिस्टन लगा रखा है उसको मैं और ज्यादा प्रेस कर दूं, जिससे कि क्या हो जाए, अब की बार प्रेशर लगाने की वजह से, पिस्टन को दबाने की वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ से अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड मूव करना शुरू कर जाए। तो पहले जब लोअर से हायर हो रहा था मूवमेंट, जब लोअर से हायर मूवमेंट हो रहा था, देखिएगा बेटा जी, जब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा था, तो हमने उसका नाम ऑस्मोसिस लिखा था। लेकिन अगर ऐसा प्रेशर लगा दूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलिएगा। समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छे समझिएगा जरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम लोग ज्यादा प्रेशर लगा दें सॉल्यूशन हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे कर सकते हैं, ऑस्मोसिस में लोअर से हायर ही क्यों होता है और हायर से लोअर रिवर्स ऑस्मोसिस में ही क्यों होता है? क्योंकि बेटा जी एक बात समझिएगा, आपके घर में जो आरओ लगा है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब आरओ ही होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस वो आरओ आप लोग इम्प्योर वाटर को प्योर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो, या प्योर वाटर को इम्प्योर में कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्योर वाटर को प्योर कन्वर्ट करने के लिए ही तो यूज करते हैं हम लोग आरओ का। तो इम्प्योर वाटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन इम्प्योरिटीज की ज्यादा है इम्प्योर वाटर के अंदर, हमें कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी में कन्वर्ट उसको करना है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में ही तो कन्वर्ट करना है भाई। नदी का पानी आपको साफ करने करके पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज के लिए यूज करना है, सपोज दैट, तो नदी के पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज मिल जाएंगी आपको, बहुत सारे सॉल्ट्स मिल जाएंगे। तो हायर से लोअर मूव करना है, तो वो अंडर प्रेशर ही होता है वो सारा काम, और इसीलिए उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसको आप इस तरीके से याद रखें कि हायर से लोअर मूवमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है, तो उससे अपोजिट मूवमेंट ऑस्मोसिस में होता है। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे और ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? अब देखिएगा एक चीज मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। पहले देखिए बेटा जी,
ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट किया करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अब पाई इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एंड पाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज कोई भी प्रेशर होता है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता ही है, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई हमें करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी हो जाता है, सी इंटू टी बन जाता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया गया तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी फॉर्मूला बन गया, पाई प्रोपोर्शनल टू सी आर टी फॉर्मूला बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया गया तो पाई इज इक्वल्स टू सी की जगह हम लोग मोलैरिटी की वैल्यू रख देते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल इंटू आर इंटू टी। दिस इज दी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पर आर क्या है, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, आर इज गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू आप लोग क्या यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू आप लोग क्या यूज करेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर जिसको आप लोग किस में यूज़ करेंगे, केल्विन में, उसकी यूनिट जो है वो केल्विन यूनिट आप यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें आपको? अगर ये सब बातें आपको क्लियर है तो फिर मैं कुछ और आगे बातें बता देता हूँ आपको ज़रा। उसके अलावा कई बारी मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करा लिया जाता है, एम बी इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास अगर कैलकुलेट कराया जाएगा तो फॉर्मूला ये यूज़ कर लेना, डब्ल्यू बी, बस कुछ नहीं करना आपको, पाई को राइट में ले जाइए और डब्ल्यू बी को लेफ्ट में ले, सॉरी एम बी को लेफ्ट में लेके चले जाइएगा। पाई इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल इंटू आर इंटू टी। इज इट ओके? देखिएगा बहुत ही मज़ेदार बातें हैं, लड्डू सवाल आएंगे इनके अंदर से अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर ये क्लियरली समझ आया आपको तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिएगा फ़ोन में, ताकि आप अपने सिस्टम में, ताकि आप बाद में दोबारा से इसको इजीली देख सकें, और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फटाफट से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने नहीं पढ़े तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाली वीडियो एक बार पहले देख लीजिएगा जा करके, फिर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेटा जी दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन नंबर वन है एक सॉल्यूशन नंबर टू है। अगर इसका ओस्मोटिक प्रेशर पाई वन है और इसका पाई टू है तो बेटा जी अगर कंडीशन फर्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, केस फर्स्ट, अगर पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू होता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, हम यानी द सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। गॉट इट? अब देखिएगा एग्जांपल क्या है इसका। आपने सुना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर हम लोग क्या लगवा लेते हैं, एक नॉर्मल सेलाइन चीज होती है, एक होता है नॉर्मल सेलाइन, जो कि हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं ना ग्लूकोज लगाया था आज हमें, तो वो 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है वो,
0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो सेल का जो फ्लूइड होता है, सेल फ्लूइड, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसका जो पाई होता है, वो इक्वल होता है पाई ऑफ नॉर्मल सेलाइन के। इसीलिए ही हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इसीलिए हम लोग उनको अपनी वेन्स के अंदर इंजेक्ट करा लेते हैं, इजीली इंजेक्ट कराया जा सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट पॉइंट। ओके, गॉट इट? अगर आपको एक क्लियरली समझ आई बातें तो देखिएगा। फिर एक और चीज बताता हूं, लेकिन अगर आप सेकेंड केस ले लें, अगर आपने 0.9% NaCl सॉल्यूशन, 0.9% से भी ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन 0.9% NaCl ले लिया जाए एज कंपेयर टू सेल फ्लूइड्स, तो फिर उस टाइम पर ये क्या कहलाएगा? ये जो 0.9 ग्रेटर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन लिया, ये हाइपरटोनिक कहलाएगा, क्योंकि इस बार इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल फ्लूइड, तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग। और अगर लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन आपने लिया एज कंपेयर टू सेल फ्लूइड्स, तो बेटा जी ये NaCl सॉल्यूशन जो आपने लिया, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट विल बी नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये आपको क्लियरली समझ आया तो देखिएगा। फिर ये था हमारा चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि हमने दो लेक्चर्स के अंदर कवर अप की। पहले रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ था, वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप नहीं हो पाया था, तो वो हमने आज वाली वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। उसको आप देख लीजिएगा आराम से, समझ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आता तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और कुछ डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन तो आपके पास हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल है। और आप हम लोगों को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है कैम्प स्पेस के नाम से भी आपको मिलेगा, और केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, जिस पे हम लोग आपको डेली बेसिस पर कुछ होमवर्क देते हैं वहाँ पर। तो आप लोग जो भी हम पढ़ाते हैं उसी का होमवर्क आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, ताकि आप साथ साथ होमवर्क कर सकें और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। और देखिएगा बेटा जी, किसी भी अच्छे स्टूडेंट का, किसी भी सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो रेगुलर होता है, जो रेगुलरली काम करता है, रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, रेगुलरली सारे काम करता है अच्छे तरीके से, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होता है बेटा जी। सिलेक्शन ऐसे बच्चे का होता है जो रेगुलर रहता है, रेगुलरली सारे काम करता है, प्रैक्टिस रेगुलरली करता है, और दिए हुए काम को टाइम पर कंप्लीट करता है। तो आप लोग साथ साथ काम करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे छूटे ना, आप हर वीडियो को कवर अप कर पाएँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए आप लोग घर में रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा, और मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।